मैं श्री श्रेयानंद जैन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने श्री प्रवीण दीक्षित जी को हार्दिक श्रद्धांजलि। माननीय त्रिपाठी जी, दिग्गज श्री दीक्षित जी, धर्म की व्याख्या तो करना बड़ा मुश्किल है। धर्म तो एक आचरण है। धर्म किसी संप्रदाय में नहीं बंधा है। धर्म तो बच्चा पैदा होते ही प्रारंभ हो जाता है, मां और बेटे का धर्म, और वहां से ही धर्म प्रारंभ हो जाता है। भाई भाई का धर्म, बहन भाई का धर्म, व्यापारी और ग्राहक का धर्म तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है। धर्म में कहीं भी व्याख्या नहीं की जा सकती। समय का अभाव है, काफी विद्वजनों को बोलना भी है और काफी लोगों ने बोल भी दिया है। मैं सिर्फ दो शब्द बोलूंगा कि पुष्प को खिलने में, पुष्प को पल्लवित होने में अच्छे बीज की जरूरत होती है, अच्छी सिंचाई की जरूरत होती है, और जब अच्छी सिंचाई हो जाती है तो अच्छे वातावरण की जरूरत होती है और पुष्प पल्लवित हो जाता है। उसी प्रकार एक बालक को पल्लवित होने में अच्छे समाज की जरूरत होती है, अच्छे विचारों की जरूरत होती है, अच्छे वातावरण की जरूरत होती है, और वही हालत एक समाज की है। एक समाज को पल्लवित होने में अच्छे वातावरण की जरूरत होती है। धर्म उस समाज में नहीं बंधा है। भगवान महावीर कहते हैं जो उनके उस समय के पांच सिद्धांत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, आज भी अहिंसा का उतना ही महत्व है जितना महत्व उस समय पे था। किसी जीव की हत्या से विमुख होना ही अहिंसा नहीं है। किसी अजीव को भी बगैर कारण द्वेष पहुंचाना, बगैर कारण तकलीफ पहुंचाना भी हिंसा है। इसलिए धर्म तो वहीं प्रारंभ हो जाता है और धर्म वहीं अंत हो जाता है। भगवान महावीर ने अहिंसा के सिद्धांत को जिस प्रकार आज के परिदृश्य के अंदर उसकी जरूरत की महत्ता की बताई है, जरूरत है। हम ये महसूस करते हैं कि आज से छठी शताब्दी पहले जितनी जरूरत थी उतनी ही आज भी है। जियो और जीने दो। जब आपको जीने का अधिकार है तो दूसरे को भी जीने का अधिकार है। इसमें धर्म कहीं भी आड़े नहीं आता। धर्म का सामंजस्य यहीं बिठाने की जरूरत है कि ये भी भाई है और ये हमारा ही एक मानव है। इस मानव के बीच में हम फर्क कैसा। क्षमा भगवान महावीर ने आखिरी जो प्रवचन दिया उसमें क्षमा के महत्व को ही उन्होंने बताया है कि क्षमा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर क्षमा जहां होगी वहां क्रोध अपने आप चला जाएगा। आज क्या पोजीशन हो गई है, आज जिस तेजी से तरक्की आई है उसी तेजी से बुराइयों ने भी तरक्की ले ली है। अश्लीलता और विलासिता ने इतना गहन तरीके से समाज में अपना प्रभुत्व जमा लिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और इसी के कारण हर समाज में अहम ने अपना रोल अदा कर लिया है। हर समाज ये कहता है अहम के अंदर कि मैं बड़ा हूं। भगवान ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि तुम बड़े हो। मानव को मानव धर्म ही अपनाना चाहिए। क्षमा में आखिरी चीज आ जाती है कि अगर आप में क्षमा करने का दायित्व तो है, अगर आप क्षमा कर सकते हैं तो प्रेम अपने आप आ जाता है। कहा है आखिरी शब्द कहते हुए मैं विराम लेता हूं कि प्रेम सीखिए ईख से, प्रेम सीखिए ईख से, पोर पोर रसखान। और उन्होंने कहा है कि जहां गांठ वहां होत है, नीति जैसी बात। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं।